दसवीं पास के लिए वैकेंसी आउट हुई है, लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। आपको बता दूं कि 15 से 20 दिन पहले या एक महीना लगभग 2 से 3 बार वैकेंसी आउट हुई है, और पोस्ट भी लगभग 1000 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी निकली थी पिछली बार भी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, 10वीं पास हो चुके हो, जॉब के लिए जाना चाहते हो, तो 13,000 रुपये महीना प्लस इसमें PF और ESI की सुविधा के साथ कंपनी हायर करेगी। सबसे बड़ा इसमें चांस क्या, सिलेक्शन के चांस इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि 1000 पोस्ट बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट होती है प्राइवेट सेक्टर में। तो आप लोग अगर 10वीं केवल पास हो या ITI, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन लिया गया है वो 10वीं पास से है, तो 10वीं पास स्टूडेंट तो जाएंगे इसमें। बाकी 12वीं पास, ITI किसी भी ट्रेड से हो, डिप्लोमा, आप सोच सकते हो कि 10वीं पास है तो ITI डिप्लोमा का कोई है ही नहीं, किए हो वही बहुत बड़ी बात है। तो इसमें अप्लाई करना है आपको, कैसे क्या करना होगा पूरी डिटेल्स के साथ सब कुछ बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भाई हमारे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आपको जॉब मिल गई है या जिनका कैंपस में सिलेक्शन, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जानकारी दिया, और आपको बहुत बहुत बधाई, आपका किसी कंपनी में नौकरी लग गया है। आप अच्छे से जाओ वहाँ पर काम करिए ताकि आगे आपका भविष्य सुरक्षित रहे। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका कहाँ पर हो, थोड़ा एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर भेज दीजिए ताकि हम आपसे बात कर सकें और आपका इंटरव्यू करवा सकें। और किसी भी कंपनी में लीजिए एक्सपीरियंस, जैसे मारुति सुजुकी का एक्सपीरियंस है तो आप थोड़ा बात कर सकते हो। अप्रेंटिस कर रहे हो कहीं पर, रेलवे में हो, बहुत से हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में भी अप्रेंटिस कर रहे होंगे, रेलवे में भी जो फॉर्म निकलते हो अप्रेंटिस कर रहे होंगे, तो आप क्या कॉन्टेक्ट नंबर है दे के बात कर सकते हैं हमसे। तो कुछ आइडिया क्या है कि कैंडिडेट्स को ज़रूरत रहती है तो उनको मिल जाता है तो बहुत ही खुशी होती है, बस यही के मकसद है। आइए हम देख लेते हैं इसके बारे में कौन कौन सी इसमें डिटेल्स है, क्या क्या हमें लेके जाना है, कहाँ क्या रहने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे ऊपर कंपनी का नाम में है, और रिक्वायर्स की बात की तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। प्लांट यहाँ पर राजस्थान, गुजरात और बेंगलोर, 3 जगह में प्लांट है, यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। तीनों जगह में से कहीं पर भी मतलब जॉब कर सकते हो। रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी कहाँ पर आपको लगाती है वो कंपनी के ऊपर है, या आपका हो सकता है कुछ चॉइस भी हो तो आप वहाँ पर प्रेफरेंस कर सकते हो, आपको आपके चॉइस के हिसाब से ही लोकेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10वीं पास है और ITI डिप्लोमा, ऑटोमोबाइल जो भी आपने किया है इलेक्ट्रॉनिकल से या कि मैकेनिकल से, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट 1000, जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग रहोगे, ट्रेनिंग के बाद में आपको परमानेंट रहता है, यानी ट्रेनिंग के पीरियड के बाद परमानेंट ही जॉब समझ सकते हो ट्रेनिंग का। नीम राणा राजस्थान में कहाँ पर, तो नीम राणा में, गुजरात के भी कहाँ पर, भैला में, और बेंगलोर में यानी कर्नाटका में जाना पड़ेगा। एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 28 साल तक है, और जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपको काम क्या करना पड़ेगा या कंपनी के बारे में थोड़ा आइडिया दिया गया है। तो द कैंडिडेट्स कंपनी डूइंग मैन्युफैक्चरिंग द डोर नोब एंड वायरिंग हार्नेस, हेंस कैंडिडेट्स नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली, यानी जो कंपनी में वर्क बताया जा रहा है तो आपको वायरिंग हार्नेस कंपनी है, प्लस डोर नोब, जो डोर होता है, जो अब ऐसा डोर का मतलब यह है कि दरवाज़ा, जो दरवाजे होते हैं, जो जैसे होटल हो गया, कोई बड़ा होटल हो गया, या कोई भी कंपनी हो गई, बड़ी कंपनी रहती हैं, या कोई भी ऐसी एडवांस लेवल की जो ऑफिस रहते हैं वहाँ पर डोर वगैरह क्या है कि बहुत ही एडवांस होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर जैसे गांव में रहता है कि धक्के मार मार के उनको खोला जाता है, वो लकड़ी वगैरह के रहते हैं, लोहे वगैरह के, तो ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखते होंगे कांच का क्या सिस्टम लगाया जाता है, तो डोर नोब बनाया जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा, प्लस वायरिंग हार्नेस, यानी जैसे तीन यहाँ पर देखिए लोकेशन 3 है, 1000 ओपनिंग है, तो कंपनी भी एक नहीं है, कंपनी मल्टीपल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और डोर नोब की कंपनी है, तो इसमें आपको कोई भी कंपनी में जॉब मिल सकती है। शिफ्ट टाइमिंग 11 घंटे की आपको शिफ्ट रहने वाली है, तो ये पहले ध्यान देना है। 8 घंटे अगर काम करना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, शिफ्ट यहाँ पर पहले बता दिया कि 11 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। जेंडर में ओनली मेल कैंडिडेट्स, तो केवल इसमें मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर बता दूं कि मिनिमम जो है तो अप टू 13,000 पर मंथ, यानी 13,000 से ऊपर जाएगी सैलरी, मिनिमम सैलरी जो रहने वाली 13,000 इसके ऊपर ही जाएगी, इससे कम नहीं आएगी।
पीएफ का बेनिफिट्स मिल जाएगा आपको और ईएसआईसी का बेनिफिट्स मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और आप जो ईमेल आईडी या जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है डालोगे तो वहीं से आपको जो है तो वो कर लिया जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसमें फॉर्म वगैरह का क्या प्रोसेस रहने वाला है। और इसमें एक चीज़ और थोड़ा ध्यान देना है, जैसे आप लोग वहाँ पर जाओगे फॉर्म भरोगे, बहुत से केस में क्या होता है कि जैसे मैं फॉर्म भरवाता हूँ आपसे तो उसमें मेल आईडी दूसरे की चली जाती है, तो मेल आईडी में आपको एक ऑप्शन रहता है स्विच अकाउंट, वहाँ पर अब जो जाओगे साइड में स्विच अकाउंट में जाने के बाद वहाँ पर अपना मेल आईडी डालना है, इसके बाद फॉर्म भरना है। हो सकता है बहुत से कैंडिडेट्स ही गलती कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन इसीलिए हो सकता है, एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके मेल में या उनके कॉन्टेक्ट नंबर में, क्योंकि जो भी डिटेल्स डालते हो तो मेल के आईडी से ही उनके पास जाता है गूगल के द्वारा। तो अगर आप लोग ऐसी गलती कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि आपको सिलेक्शन इससे नहीं हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या मांगा गया है।